जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैं आपको ज्योतिष के कुछ अनोखे सूत्र बता रहा हूँ जो कि प्रेडिक्शन में बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल होते हैं, आज उसी का पार्ट 9 है जिसमें मैं आपको कुछ अलग सूत्र बताऊंगा। इससे पहले 8 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सूत्र मैंने आपको बताए हैं, तो प्रेडिक्शन के लिए इन सूत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि आपने कई सारे दोषों के नाम सुने होंगे। एक दोष होता है केंद्रम, दूसरा दोष होता है विषयोग, तीसरा दोष होता है योग, क्या दोष बोलेंगे इनको, हम दोष ही कहलाते हैं ये, अमावस्या दोष। ये सारे ये दोष हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये दोष क्या है, अब देखिए, केंद्रम दोष केवल चंद्र से होता है, यहां भी चंद्र इन्वॉल्व है, ये चंद्र और शनि के योग से होता है तो यहां भी चंद्र इन्वॉल्व है, और ये चंद्र और सूर्य के इन्वॉल्वमेंट से होता है, यानी यहां भी चंद्र इन्वॉल्व है। तो ये तीनों दोषों में जो केंद्रम दोष है, विषयोग विष दोष है, या अमावस्या दोष है, या ग्रहण दोष भी अगर आप ले लेंगे जहाँ चंद्रमा राहु इकट्ठे एक साथ हो, तो इन सब दोषों में चंद्र इन्वॉल्व बीच में है, क्योंकि चंद्र ग्रहों से अफेक्ट होता है, चंद्र मन है। अगर आप किसी के साथ खड़े हों, किसी के साथ बात कर रहे हों, या आप किसी की रेस्पेक्ट करते हों, तो आपका मन उसकी बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है और आप उसकी बातों में जल्दी आ भी जाते हैं। तो ये बड़ा देखने वाली बात होती है कि आप कितने तरीके से मन को अपने संभाल के रखते हैं, क्योंकि कई बार यही होता है कि हम जिससे जिसके आदमी की रेस्पेक्ट करते हैं तो उसकी कोई बात को हमारा मन स्वीकार कर लेता है और हम उसको अपने कार्यक्रम में या जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसको शामिल कर लेते हैं। तो केंद्रम दोष जो होता है वो जब होता है जब चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, सपोज करो यहाँ बैठा हो, और इसके दोनों साइड में राहु केतु और सूर्य के सिवा कोई ग्रह ना हो। राहु केतु हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहु केतु और सूर्य को छोड़ के अगर दोनों भावों में कोई ग्रह ना हो तो ये हमारा केंद्रम योग कहलाता है। और ये केंद्रम योग ऐसा योग होता है कि जिस भाव में होता है पहले उस भाव के फल आपको देता है और फिर आपको गलतियां करवा के उस भाव के सारे फल आपसे छीन लेता है। अगर चंद्रमा धन भाव में होगा और चंद्रमा धन भाव में होकर केंद्रम योग बना रहा होगा तो जाहिर है पहले चंद्रमा आपको धन देगा, क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कि जो चीज़ इंसान के पास होती है चंद्रमा उसको छीन लेता है। इसका मतलब उसी चीज़ को छीनेगा जो इंसान के पास होगी, और पहले उस चीज़ को वो देगा अगर नहीं पास में है तो फिर छीनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इस तरह के दोष में जिन लोगों पर केंद्रम दोष होता है वो नॉर्मली हमेशा होल लाइफ बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमेशा अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा अशांत पाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं समझ पाते, उनको थोड़ी कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती है क्योंकि उनका ये केंद्रम दोष होता है। केंद्रम दोष में है क्या, जैसे आप ये सोचिए कि मन एक ऐसा है कि जो जब बहुत जल्दी भटकता है, तो मन पे कहते हैं ना कि मन पे लगाम रखिए, इंद्रियों को वश में करना सीखिए। तो अगर मन पे लगाम आप नहीं रखेंगे, चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन होने से इस पे अगर लगाम नहीं है, यानी इसके दोनों ओर कोई ग्रह इसको पकड़ने के लिए नहीं है, तो ये लगाम इसकी छूट जाती है और मन भटकना शुरू कर देता है। तो इसलिए चंद्रमा के दोनों ओर में से कहीं ना कहीं चाहे एक ओर कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए सूर्य राहु केतु के अलावा, तो चंद्रमा पे लगाम लग जाती है और केंद्रम दोष फिर नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दोष था। इसी प्रकार से विष दोष है। देखिए, विष दोष में चंद्र और शनि मिले आपस में। चंद्र क्या है, चंद्र है मन, शनि है दुख, दुख का कारक है आप जानते ही हैं। तो जब दोनों मिल जाएं तो मन और दुख दोनों के कारक बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि कुंडली में किस लग्न की कुंडली में हैं, किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि डिफरेंट राजयोग भी बन जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बन जाता है। अगर केंद्र भाव का स्वामी हो कोई, कोई त्रिकोण भाव का स्वामी हो, तो आपस में राजयोग भी बनता है। लेकिन साथ ही साथ चंद्र और शनि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स के अंदर या जहां उनकी नज़र जाएगी दोनों की इकट्ठी सातवीं दृष्टि, एक ऐसा नहीं कि शनि की जा रही है तीन जगह, चंद्रमा की जा रही है एक जगह, जहां दोनों की दृष्टि एक साथ जाएगी उस भाव के रिजल्ट्स के अंदर भी हानि होगी। तो इसलिए चंद्र और शनि जब भी कुंडली में होता है तो उसे विषयोग बोलते हैं, उसके अंदर भी आदमी मानसिक रूप से बहुत खुश नहीं रहता,
परेशान सा रहता है, खास तौर से जब चंद्रमा या शनि की दशा अंतरदशा आए तो उस केस में वो ज़्यादा परेशान होता है। तीसरा दोष कहलाता है अमावस्या दोष। अमावस्या दोष में भी चंद्र और सूर्य है। अब देखिए चंद्र के साथ में सूर्य आ गया तो चंद्र को ढक लिया, यानी चंद्र को अस्त कर दिया एक तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि आपके मन को अस्त कर दिया है, तो मतलब मन आपका बिल्कुल कैद सा होकर रह जाता है इस केस में। तो इस केस के अंदर भी आपको जहाँ पे ये दोष बन रहा होता है वहाँ पर भी आपको मन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मन में थोड़ी अशांति रहती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, अगर चंद्रमा और सूर्य का योग किसी भाव में बन रहा हो और चंद्रमा पीड़ित भी हो उस केस में बहुत दिक्कत होती है। या जैसे कहें कि चंद्रमा आठवें भाव में हो और चंद्रमा पीड़ित भी हो, देखिए पीड़ित भी है यहाँ पे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और आठवें भाव में है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है जो आदमी की मानसिक स्थिति को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और खुदा ना खास्ता इस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ के अंदर ध्यान देने वाली है। अब मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बता रहा हूँ जिस योग का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वो योग नॉर्मली कुंडली में अक्सर किसी से बात आप करो तो कहते हैं कि वो योग कुंडली के अंदर आपकी बन रहा है। उसको बोलते हैं गजकेसरी योग। गजकेसरी योग के बारे में बहुत सारी मिथक्स हैं और उस मिथ के बेस पे ही लोग अक्सर ज्योतिष जो हैं वो किसी कुंडली देख के बोलते हैं कि आप ही कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, इसलिए आपको बहुत धन, विपुल धन, विपुल यश सब कुछ मिलेगा। क्योंकि उनका कहना है कि चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से केंद्र भाव में हो, यानी चंद्रमा यहाँ हो गुरु यहाँ हो, या चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ बैठे हों तो गजकेसरी योग बन जाता है। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है जो कि सच नहीं है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंदर विविध योगाध्याय में ये लिखा हुआ है कि गजकेसरी योग कब बनता है, और इसके बनने में आसान नहीं है किसी कुंडली में बनना, ये बहुत टिपिकल योग बन जाता है। इसके अंदर दो शर्तें होती हैं। नंबर वन, एक तो लग्न और चंद्र से, लग्न व चंद्र से गुरु केंद्र में हो, दोनों से केंद्र में होना चाहिए, यानी गुरु केंद्र में हो लग्न से भी और जहाँ चंद्र बैठा है वहाँ से भी गुरु केंद्र में हो। जैसे ये लग्न है, लग्न से गुरु यहाँ केंद्र में भी है, लग्न से भी गुरु केंद्र में है और चंद्र से भी गुरु केंद्र में है, तब ये दोष बनता है, योग बनता है सॉरी। दूसरी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब शुभ ग्रह बचा कौन? शुभ ग्रह बचा केवल शुक्र। चंद्रमा ले सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, बुध भी लिया जा सकता है अगर बुध पाप ग्रहों के साथ ना बैठा हो। तो किसी ग्रह की दृष्टि हो, यानी दृष्टि इन पे डाले शुक्र। अब दोनों पे तो एक साथ डालेगा नहीं तो कैसे करेंगे? तो गुरु और चंद्र सपोज करो यहाँ पर ही हैं एक साथ ही। अब गुरु और चंद्र दोनों लग्न से केंद्र में हैं और चंद्रमा से भी केंद्र में हैं दोनों, क्योंकि पहला भाव केंद्र होता है, और गुरु यहाँ बैठा हुआ है, सपोज कीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र की दृष्टि भी हो गई। शुक्र की दृष्टि हो, गुरु लग्न में चंद्र से गुरु केंद्र में हो, शुक्र की दृष्टि हो और दोनों मित्र राशि में हो, शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो और अस्त ना हो, ये कंडीशन है। अब देखिए जैसे गुरु यहां पर है, चंद्र यहां पर है, दोनों लग्न से गुरु जो है लग्न से भी और चंद्र से भी केंद्र में आ गया, क्योंकि चंद्र का ये भी केंद्र स्थान है, ये भी केंद्र स्थान है, तो दोनों केंद्र स्थान में आ गया। अब शुक्र अगर मान लिया चंद्रमा को देखता है या शुक्र गुरु को देखता है कहीं बैठ के, तो उस केस में ये योग अच्छा योग बन जाता है। और अगर दोनों मित्र राशि में, जैसे यहाँ पर गुरु और चंद्र हैं, यहाँ बताया मैंने कि दोनों लग्न से केंद्र में भी है, चंद्र से केंद्र में भी है, दोनों एक साथ बैठे हैं और ये मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल इनका मित्र होता है गुरु और चंद्रमा का, इसलिए मित्र की राशि में है, गुरु और चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र की दृष्टि है और दोनों सूर्य के साथ नहीं है, अस्त भी नहीं है, यहाँ पर ये योग बनेगा। और ये योग बहुत विरले रूप से बनता है, आसानी से नहीं बनता,
बहुत कुंडली आप देखेंगे, हजार कुंडली देखेंगे तो शायद किसी एक दो कुंडली के अंदर आपको ये वाला योग मिलेगा, जो नॉर्मली हम कह देते हैं कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन गया, क्योंकि हम गुरु और चंद्र को किसी भी भाव में बैठा मान लेते हैं। कहीं भी गुरु चंद्र बैठ जाएं तो हम कहते हैं गज केसरी योग बन गया, यहाँ गुरु चंद्र बैठे हैं तो हम कहते हैं ये गज केसरी योग बन गया, या दोनों दूसरे से केंद्र में हों तो हम कहते हैं गज केसरी योग बन गया। अब ऐसे योग का क्या फ़ायदा जो छठे आठवें बारहवें भाव के अंदर बने, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि केंद्र में दोनों होने चाहिए, लग्न से और चंद्र से गुरु केंद्र में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो और दोनों मित्र राशि के अंदर बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों, तब ये योग गज केसरी योग बनता है और ऐसे इंसान को विपुल धन यश संपदा मिलती है। गज होता है हाथी और केसरी होता है शेर, तो अपने नाम से जाहिर है कि कितना इम्पोर्टेंट ये योग बनता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अगर आए तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा।